नमस्कार। करोना योग के एपिसोड 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे 2 मिनट में किस प्रकार हम अपने श्वसन मार्ग को साफ सुथरा बना सकते हैं। श्वसन संस्थान हमारे शरीर में 2 मुख्य कार्य करता है। जब हम श्वास लेते हैं, इंस्पायरेशन इनहेलेशन, जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। जब श्वास हम बाहर छोड़ते हैं, जिसे प्रश्वास या एक्सहेलेशन बोलते हैं, उसमें हमारे ऑक्सीजन और कुछ टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं, जिससे शरीर का शुद्धिकरण, रक्त का शोधन की क्रिया होती है। लेकिन इसके लिए हमारे श्वसन मार्ग का साफ सुथरा होना जरूरी है, वरना वायु के धूल कण, विषाणु कीटाणु जीवाणु, जिसको आप वायरसेस कहते हैं, वो हमारे श्वसन मार्ग से होते हुए फेफड़ों में जाकर के हमें बीमार कर सकते हैं और हमारे फेफड़े संक्रमित हो सकते हैं। अगर मेरा श्वसन मार्ग साफ सुथरा होगा तो ईश्वर ने ऐसी बनावट इसकी की है कि उन वायरसेस को और धूल मिट्टी के कणों को रास्ते में ही रोक लिया जाएगा। जैसे बालों की जो निर्माण, बालों का होना, हमारी नजल कैविटी में जो हमारी नासिका की जो कैविटी है, उसके अंदर बाल धूल मिट्टी के कणों को रोक देते हैं। श्लेष्मा झिल्ली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उससे बनने वाला म्यूकस जो है, वो हमारे कीटाणुओं को जीवाणुओं को वहीं चिपका करके, और वहाँ जो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो उनको मार करके नष्ट कर देती हैं। और ऐसे शुद्ध और साफ वायु जब मेरे फेफड़ों में जाती है तो मैं स्वस्थ रहता हूँ। लेकिन जब हम इसको साफ सुथरा नहीं करते तो ये मेम्ब्रेन, ये म्यूकस ठीक से काम नहीं कर पाता और जीवाणु कीटाणु हमारे फेफड़ों में जाकर के उसे संक्रमित कर देते हैं। आइए, योग की एक बड़ी साधारण षट कर्म की क्रिया है, जिसे हम रबड़ नेति या सूत्र नेति के नाम से जानते हैं। ये रबड़ नेति है और ये सूत्र नेति है। पहले हमें रबड़ नेति सीखनी चाहिए, फिर सूत्र नेति पर जाना चाहिए। इस क्रिया को पहली बार किसी निपुण शिक्षक की देखरेख में करना चाहिए, फिर इसे घर पर कर सकते हैं। इसको करने से पहले अगर हम रात्रि में 2-2 बूंद बादाम रोगन या सरसों के तेल की, ऐसे ये ड्रॉपर देखेंगे आप, इस ड्रॉपर से ऐसे लेकर के और दोनों नोस्ट्रिल से हम नजल कैविटी में डाल दें। ये देखिएगा, डाल दें और फिर इसको थोड़ा अंदर की ओर खींच लें हम ऐसे करके, तो हमारे अंदर का सारा सिस्टम को वसा मिलती है और जो घ्राण नाल है वह भी हमारी तर होती है, जिससे कि मस्तिष्क के दोष भी ठीक होते हैं। ऐसा करने से ये क्रिया हमारी आसान हो जाती है। और इस क्रिया को करने से पहले इसको थोड़ा सा धो लें आप। इसके 2 सिरे होते हैं, एक सिरा इसका बंद सिरा होता है और दूसरा खुला सिरा होता है। हम इसको खड़े होकर के भी वाश बेसिन पर कर सकते हैं, बड़ी साधारण क्रिया है, और इसको कादासन में भी बैठ करके किया जा सकता है, जिसे मैं सामान्य स्थिति में आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले हम उठे और 2 उंगलियों की मदद से इसको ऐसे पकड़िए और लगभग 1.5 उंगल अंदर देना है पहले इसको, धीरे धीरे। अगर इरिटेशन होती है तो वहीं रुक जाइए, कुछ देर रुके रहिए, 10 सेकेंड 15 सेकेंड, फिर धीरे धीरे अंदर लेकर के जाइए। जब यह लगभग 3 इंच के आसपास अंदर चली जाएगी तो जैसी हमारी ये नासिका गुहा फेरिक्स में पहुंचेगी तो हमारे को महसूस होगा तर्जनी और मध्यमा में, हमारी जो इंडेक्स और आपकी जो मिडल फिंगर है, इससे हमें पकड़ करके बाहर निकालना है। लेकिन इन उंगलियों के नाखून बड़े हुए नहीं होने चाहिए, ये सावधानी अवश्य बरतें। ये देखिएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, बहुत सिंपल है। इसको डालने के बाद देखिए, बात भी कर सकते हैं, इसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। बस 5 से 7 दफा ऐसे करिए और इसको बाहर निकाल लीजिए। ऐसे ही इस क्रिया को हम दूसरी तरफ से, दूसरी नासिका से भी कर सकते हैं। इसको प्रतिदिन ये क्रिया की जा सकती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या क्या दोष ठीक हो सकते हैं? हमारा गला ठीक रहेगा, हमारा कान ठीक रहेगा, हमारी आंखों की ज्योति ठीक रहेगी, हमारे को नासिका का दोष नहीं होगा, हमारे चारों साइनसिस क्लियर रहेंगे, साइनसाइटस का दोष नहीं होगा, सर में दर्द नहीं होगा, और इससे हमारा ट्रेकिया और ओसोफोगस के दोष नहीं होंगे, हमारे फेफड़ों के दोष हमें नहीं आएंगे, गंदा म्यूकस अंदर नहीं जमेगा, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया काम करेगा,
और बार बार हम वायुमंडल के संक्रमण से हम संक्रमित नहीं होंगे, अगर ऐसा नहीं होगा, हमारा श्वसन मार्ग साफ सुथरा रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए। एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहूँगा आज इस माध्यम से कि आजकल आपको जो ये सीरियल दिया जा रहा है करोना योग, इसके माध्यम से आप इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए, सब साधकों तक पहुंचाइए। लेकिन आज की क्रिया आपको किसी निपुण शिक्षक की देखरेख में पहले करनी है और फिर घर पर अभ्यास करना है। जब प्रतिदिन आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपको छोटा मोटा बुखार और सीजनल एलर्जी भी नहीं होगी। धन्यवाद।